हेलो फ्रेंड्स मैं हूं आपका दोस्त वसीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया दोस्तों आज मैं फिर से गोलरभोज में आ गया हूं और दुलाल जी के छत पर आ गया हूं और यहां पर इस समय जितने भी बोगन बेलियाँ इनके पास है सभी में जो है फूल से भर गया है और जो बोगन बेलिया है सौ से भी ज़्यादा लगभग लगभग डेढ़ पौधे इनके पास हो गए हैं और वेराइटी तो बहुत सारी इनमें से इनके पास है हर तरह से इनका जो छत है वो पूरी तरह से कलरफुल हमें नजर आता है फूलों से और इनके एक छत में नहीं बल्कि दो दो छत में जो है बोगंद से भरा हुआ है तो चलिए बोगनविलिया किस तरीके से खिल रहे हैं कब से खिल रहे हैं और क्या देखभाल करते हैं बिल्कुल आप हैरान हो जाएंगे इनके देखभाल को सुन करके तो चलिए अब जो है बात करते हैं सीधा सीधा दुलाल जी से और उनके गार्डन में जो रंग बिरंगे भोगन खिले हुए हैं तो उनको देखते भी हैं साथ साथ में नमस्कार दुलाल जी बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका एक बार हमारी बगिया YouTube चैनल में आपका भी स्वागत है हमारे घर पे आप आया वीडियो बनाने के लिए मेरा मन जो है मानता नहीं है बार बार मैं खिंचा चला जाता हूँ आपके छत को देख करके जो इतनी खूबसूरती से भरा हुआ होता है चारों ओर से जहां भी देख रहा हूँ और पूरी तरीके से भोगविलिया से भरा हुआ है मन तो बहुत आपका भी खुश होता होगा <laughs> मेरा मन तो बहुत खुश होता है सुबह जब उठता हूँ मैं दोनों छत पे आठ बजे तक हाँ। मैं घूमते रहता हूँ मुझे शांति बहुत शांति मिलता है और घूमने लायक जगह भी है पूरा जो छत है हर जगह से मतलब बुगंद भी लिया इतने ज्यादा भरे हुए रंग बिरंगे इसमें दूसरे फूल जबकि कम नजर आते हैं छतों पर लेकिन बोगन बिलिया इतना ज्यादा खिला हुआ है मैंने तो कहीं नहीं देखा आज तक के अपने लाइफ में ना तो किसी नर्सरी में देखा और ना ही जो है किसी के घर में देखा कि इतने ज्यादा बोगन बिलिया जो है होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है आपके यहाँ पर आकर के और हर बार आपसे देखभाल के बारे में बातचीत करते हैं तो बात तो करेंगे ही देखभाल के बारे में पहले जो है थोड़ा सा पौधे को चलिए दिखाते हैं एक एक करके अच्छा थोड़ा सा ये जो है बहुत बढ़िया वेराइटी लग रहा है और डबल कलर लग रहा है दो पौधे लगा या एक ही पौधे एक ही एक ही पौधा है एक ही पौधा है और बिल्कुल भरा हुआ है फूलों से ठूस ठूस करके भरा हुआ है बहुत सुंदर लग रहा है कितने पहले का पौधा है ये दो साल का पौधा है ये ये दो साल इसको हो गए दो साल से इसी पॉट में है इसी पॉट में ही है अभी बदला नहीं मैंने अभी चेंज नहीं किया और उसके बाद देखिए इतना सुंदर कलर निखर करके आ रहा है येलो कलर में और बहुत छोटे से पॉट में लगा हुआ है ये मतलब छ से बाहर के गोलाई तक होगी आठ इंच लेकिन अंदर मुझे लग रहा है कि और कम है और उसमें भी जो है देखिये इतने सुंदर फूल खिल रहे हैं पीले वाले में और ये कितने साल का पौधा है ये भी वही दो साल का दो साल के हैं उसी के किनारे देखिए ये जो है पौधा लटक भी चुका है ये इतना लंबा इसका बेल भी चल पड़ा है तो इसको तो काट छाट करके आप मेरे ख्याल से छोटा करके रखते होंगे ना हाँ काट के छोटा करके रखता ठीक ठीक देखिए ये प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है दस इंच का पॉट होगा और इसमें लगा हुआ है और ये जो है लटक भी गया है अब तो जो है ये जब फूल खत्म होंगे तब आप इसकी कटाई चटाई कर देंगे लंबे ब्रांच की ना जैसे ये इधर दोनों ये लंबे चले गए हैं तो छोटा आप यहाँ से, हाँ, दे से देंगे तो ये पौधा फिर ऐसे छोटे साइज में रहेगा यहाँ मैं अगर दिखाऊं देखिए वाइट कलर में इतना खूबसूरत नजर आता है ये पौधा आज जो है सुबह सुबह मैं पहुंच गया हूँ इनके घर पर तो देखिए कितना सुंदर नजारा है आमतौर पर हर बार जब भी मैंने आपको इनके घर के फूलों को दिखाया तो शाम को ही दिखाया लेकिन आज जो है मैं सुबह सुबह पहुंचा मेरे भी जो है छुट्टी का दिन था तो मैं पहुंच गया लेकिन फिर भी धूप इस समय निकल आई है और देखिए खूबसूरती इसकी तो ये भी दो साल का है क्या ये सब दो दो साल का है पेड़ सब दो दो साल के पौधे हैं बिल्कुल बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखिए एक कलर ये आपको दिखाता हूं कहीं आपको पत्ते नजर नहीं आ रहे होंगे मतलब मन खिंचा चला आएगा ऐसा है आप सब लोग जो है बार बार मुझे कमेंट भी करते हैं इनका घर कहाँ है लोकेशन कहाँ है हमें आना है इनसे हमें पौधे खरीदना है लेकिन ये भी जो है कहीं ड्यूटी पर होते हैं शौक के कारण इन्होंने ज्यादा लगाया है लेकिन भविष्य में एक नर्सरी जरूर करेंगे और तभी ये वेरायटीज को इस समय इकट्ठा कर रहे हैं कि अलग अलग भोगवेलिया को अलग अलग जगह से लाया जाए वेरायटीज इकट्ठी की जाए ताकि आप लोगों के लिए भी इनके लिए पौधे जो है तैयार कर सके ये एक बहुत बढ़िया सा लग रहा है इसके साथ में ये 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 ये, ये भी जो है 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 ऐसे ही बिल्कुल भरा भरा सा डबल में होता ना वाले हाँ, गुच्छा वाला प्लांट ये। ये गुच्छे वाला है ये वाला सिंगल सिंगल है लेकिन इसमें भी कहीं भी आपको पत्ते नजर नहीं आएंगे और इधर जो है छोटे पैट्रोल से थोड़े लेकिन गुच्छों में है और देखिए ये छह इंच के पॉट में लगा हुआ है मात्र तो ये तो नया होगा ये नया होगा ये एक साल का पौधा है एक साल का पौधा है तो जिस समय नर्सरी से लाते हैं उस समय क्या नर्सरी में ऐसे फूल खिले हुए देख करके लाते क्या हल्का खिला पट्टा खिला हुआ हमें अंदाजा हो जाता है ना अब गोग लाते लाते अंदाजा हो गया हाँ। है कि कौन से पौधे में कैसे फूल आ सकते है हाँ। देखिए छोटे छोटे पौधे में फूल भरा हुआ है और यहाँ एक आपको दिखाऊं ये तो काफी पहले खिला था अब तो ये सूखने भी लगा है थोड़ा थोड़ा लेकिन कलर अब भी देखिए कितना ब्राइट नजर आ रहा है ये कितना आठ इंच या दस इंच के पॉट में है? ये दस इंच पॉट में है दस इंच मोस्टली पॉट आपके दस इंच में है मुझे लग रहा है तो देखिए इतना सुंदर सा जो है खिला हुआ है हर जगह फूसा हुआ फूलों से एक ये वाले वैरायटी है तो इसमें मेरे ख्याल से फूल कम आते हैं क्या ना आया था तेल गर्मी में कम आता है जाड़ा तो में पूरा भर है। लेकिन इसका पत्ते देखिए इन सब के बीच में इतना अच्छा पत्ता लग रहा है थोड़ा सा पीला पीला टाइप का मतलब कलर बहुत ब्राइट लग रहा है इसका और उसके किनारे फिर ये और एक बहुत ही सुंदर फिर यहाँ मैं अगर दिखाऊं तो देखिए इतना रंग बिरंगा मैं फूलों की केयर क्या बताऊं पहले मैं फूलों को ही आपको दिखाता हुआ चलता हूं कि देखिए खूबसूरती से इतना सुंदर भरा हुआ कोई केयर इसमें खास है नहीं इनके पास ना तो जो है आपको हड्डियों का चूरा मिलेगा ना आपको लेदर मिल मिलेगा ना ब्लेड मिल मिलेगा कुछ भी ऐसा नहीं है एक बहुत दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और गांव का एरिया है यहाँ पर और उस तरह के दुकानें हैं भी नहीं कि इस टाइप के फर्टिलाइजर मिले या ऑनलाइन भी ये नहीं मंगाते हैं तो सारी चीजें इससे पहले भी क्लियर थी गोबर की खाद का ही प्रयोग करते हैं? हाँ गोबर की खाद बस बस गोबर की खाद का ही प्रयोग किया हाँ। आपने इनमें। देखिए कलर एक से बढ़कर एक ये पहले हल्का फिर धीरे धीरे ज्यादा रेड होगा पहले हल्का सफेद अच्छा ये सफेद सफेद पहले उसके बाद हल्का गुलाबी अच्छा हल्की में हो जाएगा ये जैसे हल्का और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा गुलाबी होता जाता है ना देखे कितना नहीं होगा गुलाबी बहुत ज्यादा भी नहीं होगा ये हाँ। जैसे देख रहा है हल्का ठीक तो एक एक बार जैसे ये फूल खिल जाते हैं तो कितने समय तक रह जाता है खिलने खिलने के बाद ये एक बार से से कम कम महीने तो खिलते रहता है अच्छा तीन महीने खिलते रहते हैं हाँ। अरे बात और खिलने के बाद जैसे वो सूख जाते हैं उसको काट देते हैं फूलों को फिर से स्टार्ट हो जाती है नई ग्रोथ तो ये बरसात तक फूल खिलता है लेकिन बरसात में दो महीना ये बंद रहता है अच्छा बरसात में दो महीना बंद रहेगा जब ज्यादा बारिश होगी उस समय उस समय पौधे ग्रोथ बहुत करते हैं हाँ। बहुत सुंदर देखिए एक से बढ़कर एक जो है आपको यहाँ पर नजर आएंगे पौधे और अब जो है मैं थोड़ा सा दूसरे छत पर भी इनके ले जाऊंगा यहाँ से तो मैं ये सारा दिखाई चुका हूँ आपको पौधा और साथ में थोड़ी थोड़ी बातचीत भी करते जाएंगे केवल और केवल गोबर की खास से इतना कुछ हो सकता है दोस्तों इससे पहले कि इनके दूसरे छत पर हम जाए यहाँ पर कुछ नीचे भी इन्होंने लगा रखा है बोगन भी तो यहाँ भी हम देखते हैं कि देखिए कितने ज्यादा फूलों से भरा हुआ है ऊपर से यहाँ पर मैं टिप से दिखाऊं तो चारों ओर मैं दिखाता हूँ कि कितने फूल है देखिए नीचे तक पूरा और नीचे का ये वाला जो है कुछ सूखने भी लगा है शुरू में जो आए थे लेकिन सूखने के बाद भी ये कितने अच्छे लग रहे हैं आप देख सकते हैं पूरा पता ही नहीं चलता दूर से कि ये फूल सूख गए हैं ये भी मतलब काफी दिन तक सूखे हुए भी ऐसे ही रह जाते हैं तो ये भी दस इंच का पॉट है आपका प्लास्टिक का ही पॉट है दस हाँ दस इंच, हाँ, इंच का पॉट है ये ठीक 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 ठीक, ठीक। देखिए प्लास्टिक के पॉट में लगा है तो इसमें रिपोर्टिंग किया था क्या मतलब अभी नया पेड़ है ये ये नया पेड़ है ना ये वाला नया है अच्छा अच्छा इतना सुंदर जो है नजर आता है अच्छा ये 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 अलग है और ऊपर का ये वाला अलग है ना ठेक ये अलग है अच्छा नीचे का ये अलग है और ये जो मैंने आपको ये, दिखा दिखाया आपको ये बहुत बढ़िया क्वालिटी है अच्छा महंगा क्वालिटी है ये।, ये ये कितने पहले लाए थे ये बच्चा पेड़ी ढाई सौ रूपये मिलता है अच्छा कित, कितने पहले लाए थे आप ये हम लाए था एक साल हो गया इसका लिए एक साल हो गया ये बारह इंच का पॉट है बारह इंच का पॉट है डायरेक्ट किसी में लगाया था ला करके हाँ डायरेक्ट इसी में लगा दिया लागे। अच्छा, मतलब 10 इंच 12 इंच जैसा साइज होता है पौधे हाँ। का उस हिसाब से आप लगा देते हैं देखिए छोटे छोटे जो है पॉट उसमें लगा हुआ ये एक अलग सा नजर आ रहा है मुझे हाँ, एक कलर ही अलग है ये कलर थोड़ा सा पर्पल टाइप का भी हो रहा है ये हाँ। देखिए कितना सुंदर कलर और पूरा भरा भरा सा है ये तो ये ये दस इंच का होगा दस इंच हाँ, दस इंच ही है दस इंच का पॉट होगा ये नौ इंच का नर्सरी पॉट जो होता है वो वाला है तो इसमें भी इतना सुंदर नजर आ रहा है उसके बाद मैं यहाँ दिखाऊं ये यह एक पॉट में देखिए देखिये दोनों पेड़, पेड़ एक ही एक ही है एक ही, लेकिन है। तब ही रंग में थोड़ा फर्क लग रहा है मुझे इसमें और इसमें जो है थोड़ा सा अंतर लग रहा है ठीक दोनों ही नर्सरी से लाए थे आपने तैयार किया आपने तैयार किया नर्सरी से लाता मैं सब नर्सरी से लेकर के आए थे और इकट्ठा कितने सालों से कर रहे बोगन विलिया को ये क्या बताओ जब से मैं कर रहा हूँ हाँ। उसका बाद नर्सरी जब से कर रहा हूँ तब से शुरू कर दिया मैंने अब तो आसपास के नर्सरी में नया वैरायटी मिलना भी मुश्किल हो मुश्किल गया हो गया। कि सब वैरायटी आपके पास आ चुके है लगभग हाँ। लगभग तो चलिए अब जो है ऊपर चलते हैं दोस्तों ये कलर मैं आपको और दिखाता हूँ देखिए इतना सुंदर नजर आ रहा है ये वाला कलर थोड़ा सा पिंक भी लग रहा है थोड़ा लाइट पर्पल भी लग रहा है और देखिए कितना सुंदर नजर आ रहा है ये कितने पहले का पौधा है ये दो साल का पौधा है लेकिन ये गमले में बड़ा रेट मांग रहा था चार सौ रूपये मांग रहा था है है है। मैंने बोला गमले हम लेंगे नहीं अच्छा तो साढ़े तीन सौ का लाया साढ़े तीन सौ का कितना पहले लाए थे खाली मिट्टी उखाड़ के अच्छा अच्छा कितना पहले लाए थे ये वो एक साल दो साल हो गया इसके लिए लगभग लगभग दो साल हो रहा है उसमें तो छोटा होगा पौधा छोटा होगा हम्म लेकिन मिट्टी का, उस थाना का था ना सीमेंट का गमला था वो तो कौन से नर्सरी से लाए थे ये ये रुद्रपुर से लाया रुद्रपुर पल्लवी का हाँ ठीक ठीक और यहाँ पर मैं अगर तो देखिए ये वाले वैरायटी है ये है यहाँ पर गमले में तो जब आप लाते हैं लाने के बाद क्या साथ साथ रिपोर्टिंग करते हैं या कुछ दिन रख देते हैं मैं मुझे टाइम कहा है मैं देखता हूँ टाइम है अभी हाँ. जब लाया हूँ टाइम नहीं हुआ तो एक दिन बाद लगा देता हूँ अच्छा मतलब या तो उस समय ही लगा देते है हाँ. या तो दो चार दिन रुक करके जैसे ही टाइम तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो ला करके क्या कुछ दिन तक इसको शेड में रखना होता है या डायरेक्ट धूप में ही रख देते हैं जैसे फली वाला पौधा कोई धूप और शायद कोई मतलब नहीं है तो जड़ तो है उसका जड़ फिट है हाँ। अगर बहुत छोटा पौधा हो तो थोड़ा सा रखना पड़ता है दो चार दिन हाँ। बाकी उसके बाद आप धूप में ला सकते हैं देखिए फूस फूस करके भरा हुआ है एक एक पेटी के अंदर भी दो दो गमले इन्होंने रख दिए हैं और बाहर से भी लाइन लगा दिया है ये कलर अलग है ना ये क्वालिटी जो है ना ये ये आ, ये ये बिल्कुल अलग है बहुत सुंदर क्वालिटी अच्छा उधर जो देखा था उससे ये डिफरेंट है, उस हाँ, है। में जो साइड में देखा था है, है। ठीक 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 तो ये सब आपका खरीदा हुआ ही है हाँ, शॉप खरीदा हुआ है लेकिन कई सालों से इकट्ठा कर रहे है तभी जो है इतना बढ़िया भूगन का गार्जियन बना पाए है अभी भी कहा बना पाया अभी भी और शौक है शौक है पूरा भरना है अभी कुछ नहीं बनाने पाया मतलब दीवानापन हो तो हाँ। ऐसा कि पूरा भर दिया इन्होंने बोगनवेलिया से जिससे हमेशा कलरफुल नजर आए और देखभाल भी कम देखभाल बहुत कम बहुत कम जैसा आपने बताया कि लाते हैं लाकर के इसको बस रिपोर्ट कर देते हैं तो उस समय जो मिट्टी होती है वो आप क्या तैयार करते हैं ये बताइए मिट्टी जैसे गोबर खाद और मिट्टी थोड़ा बजरी थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा बजरी थोड़ा सा बालू मिला के पहले मिट्टी तैयार कर लेता हूँ उसको बाद जब पौधा आता हूँ ना तो उसमें भरता हूँ तो उसमें नमी पानी भी जाता है ठीक ठीक, ठीक। ज्यादा वो दिक्कत नहीं होता है पानी पानी का देखिए कितना सुंदर जो है लग रहा है ये पीला वाला और साथ में यहाँ भी जो है एक स्टेक यहाँ से निकल रहा है देखिए इतना सुंदर सुंदर कलर है यहाँ पर देखिए आपको दिखाता भी जाता हूँ बाद भी थोड़ा थोड़ा कर, करेंगे उनसे लेकिन दिखाना जरूरी है कि क्या क्या इन्होंने काम कर रखा है ये आप सब लोग देखना चाहते हैं तो इसमें जो गोबर की खाद है वो लगभग कितना तीस परसेंट डालते हैं या उससे कम डालते हैं ये एक हिस्सा डालता गोबर खाद हम्म हम्म हु और मिट्टी आ, मिट्टी दो हिस्सा मिट्टी दो हिस्सा और रेता रेता भी एक हिस्सा एक हिस्सा यानी कि आप अगर चार हिस्सों में इसको कन्वर्ट करें तो दो हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा रेता और एक हिस्सा आपका गोबर की गोबर खाद बस इसी में लगा देते इसी में लगा देते और इसमें इसके अलावा कोई वगैरह कुछ नहीं कुछ नहीं का खाद कुछ भी मिलाते बार बार लोग यही मुझसे सवाल करते हैं कि मार्केट से क्या मिलाते हैं क्या एंजाइम देते हैं तो मैं बार बार बताते बताते थक भी जाता हूँ कि ये सब कोई भी चीज कोई तामझाम नहीं करते और ना ही इन सबको खरीदने का इनके पास इतना पैसा भी है क्योंकि तो बिल्कुल आप कह सकते हैं मजदूर वर्गीय परिवार कह सकते हैं उसके बावजूद भी जो है इस तरीके का शौक मैंने पहली बार देखा है बड़े बड़े लोगों को इतना शौक नहीं होता जितना आपके पास है और इसके अलावा इस साइड में भी मैं दिखाऊं तो यहाँ भी देखिए बोगन बेलिया यहाँ भी भरा हुआ है तो कैसे कर पाते हैं मैंने इतना सब कुछ की जो है मुश्किल से आपकी सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं है इतने सैलरी कम है कि बताने लायक भी नहीं है तो इतने में कैसे मैनेज कर पाते हैं क्या करें वही शौक पूरा कर रहा हूं अब सोचता हूँ जो जिंदगी में रखा क्या है कमाना खाना है और कुछ जिंदगी जीने के, के लिए कुछ अपना खुशहाली आए मन में थोड़ा वही सोच रहा हूँ आप तो उम्र भी मेरे ख्याल से आपके हो गई होगी कि लगभग के आप तो से है। अच्छा, से है। इसके अलावा जो डैम है गुलरबुज का वहाँ भी आप काम करते हैं तो उसके बाद आकर के इन सब चीजों में लगते है सुबह या शाम को थोड़ा सा कर पाते है उसका बाद सुबह उठ के मैंने चारों तरफ घूमना है साढ़े सात बजे तक चिक, चिक, चिक। उसका नहा धो के फिर ड्यूटी चले जाता हूँ शाम को आके फिर पानी सब साथ में पानी लगाता हूँ अच्छा। उसका थोड़ा आके फिर बैठता हूँ गार्डन में तो शांति मिलता है शांति और सुकून से भर जाते हैं बहुत मेरे दिल में तो बहुत शांति मिलता है क्योंकि जीना के लिए कुछ करना चाहिए अपना मन शांति के लिए बिल्कुल तो अब जो है ये बागवानी के साथ भी जी रहे हैं और साथ ही साथ जो है जो गुलर बोज का गार्डनिंग का काम हाँ। है जैम का तो वो भी ये संभाल रहे हैं तो हमेशा सारा दिन भर गार्डनिंग सारा दिन गार्डन में रहता हूँ तो अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया है हाँ। और आपने देखा है कि बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा इधर उधर के खाद के बारे में बहुत कुछ बताते हैं कभी सोचते हैं कि उन सब खाद देखिए एक बात मैं बताता हूँ ज्यादा खाद देने में कोई फायदा नहीं है बैगन बेलिया लोग बोलता है जो पानी नहीं चाहिए लेकिन यह है गर्मी और छत के ऊपर रखने से अगर एक दिन हम पानी नहीं देंगे ना तो सूख के ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा फूल मतलब तक मौसम को हमें देख करके देना हाँ पड़ेगा फूल को पत्ता भी नहीं मिलेंगे ऐसे मुरझा जाएंगे बिल्कुल तो इसीलिए देखिए मतलब सुबह हम पानी डालता है दिन भर रहता है बस दिन भर रहता है अगले दिन फिर आप पानी हाँ अगले दिन फिर पानी डालेंगे लेकिन पानी हम भर के देता है ये गर्मी जितना पड़ रहा है ना इस गर्मी में पानी कम दू तो दो तीन घंटे में सूख जाएगा ये अच्छा। फिर सूख जाने के बाद फिर मुरझा जाता है और पानी का मतलब ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए कि नीचे से निकल जाए फूल फुल भर देता है गमरा भर देते हैं जैसे नीचे जो छेद है वो अच्छा होना चाहिए ताकि निकल भी जाए मिट्टी एक बार गीला होकर के पूरा हाँ जैसे हमारा दो इंची खाली रहता है तो दो इंची गमला हम पूरा पानी में भर देंगे दिन भर रहेगा तो जितना उसको पीना है दो घंटा में सूख जाता है आजकल जब गर्मी पड़ रहा है ठीक एक चीज ये बताइए आपकी जैसे यहाँ पर आप पानी की बात कर रहे हैं कि इस तरीके से थे। और शुरू में आपने ये बोगन बेलिया लगा भी दिया था गोबर की खाद मिट्टी और जो रहता है हाँ। ये सब मिला करके तो एक बार जब आपने लगा दिया तो उसके बाद जो है कभी बीच बीच में क्या कोई खाद डालना होता है बीच में अगर डालोगे थोड़ा तो एमपी का है ना एमपी एमपी के खाद थीक, थीक। एक एक चम्मच हर पॉट में आप दे सकते हो एक चम्मच दे सकते हैं हाँ। तो पहली बार जैसे हमने जब रिपोर्ट किया उसके कितने दिनों बाद कम से कम पंद्रह दिन बाद उसके कम से कम पंद्रह दिन के बाद जो है हमें जो है शुरू कर सकते हैं। हाँ मतलब पौधा थोड़ा जम जाए जम जाए उसके बाद ये एंटी के कितने दिन के बाद, बाद आप देते हैं ये मैं देखो मैं तो है गरीब आदमी ज्यादा हम... तो गरीबी की नहीं है आप इस मामले में तो बहुत अमीर है अमीरों से भी अमीर है नो के मामले में सुनिए मैं इसलिए क्योंकि महंगा भी है और मुझे टाइम भी नहीं है इसलिए मैं पंद्रह दिन में एक बार डालता हूँ पंद्रह दिन में हर पंद्रह दिन में एक बार डालता हूँ भी एक चम्मच एक चम्मच आप डालते है एक दस इंच के पॉट में या बारह इंच के एक ही चम्मच डालता हूँ प्लेन प्लेन जो है उतना ही आप डालते हैं ठीक तो उसी से ही आपके ये हो रहे हैं हाँ। तो आपने इस बीच में कभी मिट्टी इसका चेंज किया है अभी तक नहीं किया मैंने और रिपोर्टिंग आपने दोबारा किया है एक एक बार आपने बार आपने लगा दिया हाँ। दो साल हो गया मैं रिपोर्टिंग नहीं किया अभी तक उसी में ही है दो साल में ठीक जब बड़े होंगे ज्यादा तब आप एक बार निकाल करके चारों तरफ की मिट्टी थोड़ा सा हटा करके और जड़ों को हल्का सा हटा करके तब करेंगे तो बोगनविलिया क्या शुरू से ही फूल पकड़ना शुरू कर देता है या कई लोग कहते हैं कि जड़ पूरा जब भर जाता है नीचे तब उसके बाद जो है है ज़्यादा अच्छा फूल आता ऐसा है।, है जो लगाने के बाद ना थोड़ा जड़ तो मिट्टी में गमले में लगेगा उसके बाद आस्ते आस्ते ग्रोथ बढ़ेगा और फूल तब फूल भी भी बढ़ेगा बढ़ेगा मतलब जड़ जैसे जैसे ज्यादा होगा नीचे तब जो है बढ़ेगा Uh, कई लोग कहते हैं कि बोगन बलिया के चैनी को ज्यादा काटना नहीं चाहिए बल्कि उसको जो है मोड़ मोड़ करके है। ये, ये है मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक पेड़ लाया था मैं लंबा इसमें कटिंग इसलिए नहीं किया मैंने जो कटिंग बरसात में ना ये कटिंग छोड़ दिया अगर छोड़ेंगे तो लंबा लंबा हो जाएगा उसको बाद हम सोचेंगे पेड़ पौधा बनाए बनाने के लिए इसीलिए आपने अगर इसको आप मोड़ के घुमा के बना देंगे तो वो मजा नहीं आता है ठीक ठीक मतलब आपको जो है कुल कटिंग करके ये जैसे कटिंग हाँ। किया आपने तो इस तरीके से करनी है अभी ये सब थोड़ा थोड़ा जैसे लंबा हो रहा है तो हाँ। इसको भी आप काटे बाद में काटेंगे जब फूल खत्म हो जाएगा फूल खत्म हो जाएगा यहाँ यहाँ से जैसे एक शेप आया तो इधर से ये लंबा स्टिक निकला अब ये जब फूल खत्म होगा तो इसको भी आप नीचे से काट देंगे इधर देखो ये जो क्वालिटी है वो क्वालिटी यही है ना तो जब छोटा पेड़ था ये एक साल का पेड़ भी नहीं है एक साल का छह महीने का पेड़ है मान लीजिए तो मैंने उसको पेनी आगे से तोड़ दिया अच्छा बैलेंस कितना आया देखो बहुत भर गया बहुत, बहुत बरस अब बरस बर गया। अब और गुस्से गुस्से में आ रहे हैं यही होता है ज्यादा छोटा पेड़ में अगर कटिंग किया जाए तो उसमें और बढ़िया कलरा आएगा अच्छा तो इसमें जो है आपका जैसे ये फूल खिल जाएगा तो केवल फूल फूल को आप काटेंगे ना हाँ भी? हाँ, हाँ फूल फूल का। फूल फूल हाँ, हाँ, हाँ कटिंग भी हो जाएगी अब काट दिया देखिए सब पहले हम्म अब यहाँ से तीन चार कल्ला आया अभी ये एक बार झड़ गया फूल इसमें ठीक 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 अब दोबारा वो फूल आ रहा है एक बार झड़ गया ये आपने कटिंग जैसे मुझे नजर भी आ रहा है यहाँ से ये फूल था ये सब आपने कट कर दिया हाँ। अब दोबारा दोबारा फिर ब्रांच दोबारा दुबार दोबारा फिर आ रहा है और जैसे ये जितने भी बड़े पौधे आपके हो गए हैं तो हार्ड प्रूनिंग कब करते हैं कि अधिकतर जो आपने पूरा ज्यादा से ज्यादा कट कर दिया वो कौन से महीने में ये काटता का हम सितंबर महीने में सितम्बर शुरू सितंबर सितंबर में शुरू में अच्छा और फिर जो है अक्टूबर में आपके उसी में फूल अक्टूबर में शुरू अक्टूबर में से फूल आ जाए ठीक बहुत ही सुंदर लग रहा है आपके छत पर आकर के तो सर आपने तो पूरा बहुत अच्छा जो है बताया कि केवल आपको इन चीजों का यूज करना है कोई ताम छाम यूज नहीं करना है केवल आपका जो शुरुआत का लगाने का है वो और बीच बीच में अंति के जब भी आपका मन करे थोड़ा हाँ हा। बहुत डाले और थोड़ा बहुत डालो बस बाकी मिट्टी अभी तक आपने चेंज नहीं की मिट्टी चेंज नहीं किया देखो टाइम को बर्बाद है अगर इसको नियम है एक साल में अगर आप चेंज कर दोगे तो बहुत ही बढ़िया है और बढ़िया हो गया बाकी आपने वो जो सब्जियों के छिलके का जो होता है लिक्विड फर्टिलाईजर वगैरह ये सब वो बनाता हूँ बनाता हूँ पत्ते वाला खाद भी बनाता हूँ अब आम का पेड़ है हमारे घर में एक उस पेड़ का शायद में सब भर रखा है मतलब तो उसका यूज इसमें करते हैं क्या अभी तक नहीं कर अभी तैयार हो रहा है अभी तैयार हो हाँ। रहा है क्योंकि मिट्टी को थोड़ा ऑर्गेनिक रखने के लिए इन सब चीजों का भी उपयोग लगातार अगर हम रासायनिक का यूज करेंगे थोड़ा मिट्टी भी खराब होता है उससे क्योंकि आप पत्ता करते में ना भरकर बोरी में भर भर के रखा है तो टाइम टाइम लेगा हाँ, पत्तों खाद खाद हाँ। में थोड़ा लेता है लेकिन तो पत्ते वाला बढ़िया जबरदस्त खाद होता है पत्ते वाला खाद तो बहुत ही बढ़िया खाद है और हर तरह का पत्ता जब मिक्स हाँ, होता हाँ। है तब और भी बढ़िया होता है भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए तो आपने अपने बुगधनिया के इस गार्जियन को दिखाया उनसे बातचीत की इतने अच्छी शेयर आपने की जो भी आप देखभाल करते हैं बिल्कुल सिंपल मेथड से तो इन सब के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया हमारे घर पे आप वीडियो बनाने के लिए आए आपका भी शुक्रिया है